ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेलन। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे, जब हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से तत्काल टिकट बुक करते हैं तो बुकिंग के टाइम काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आ रहे हैं, हमारा पेज जो है लॉग आउट हो जा रहा है, या पेमेंट पेज पर पहुँचते हैं तो अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग तत्काल टिकट बुक नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप फाइनली अब IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में अपडेट आ चुका है, और ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो है सारे को वो फिक्स करके दिया गया है। आप लोगों को करना क्या है, सिंपल मैं बता देता हूँ। सिंपल आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, आप लोग यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, और फाइनली आप देख सकते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में अपडेट आ चुका है। सिंपल इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं न्यू पेमेंट ऑप्शन फॉर बुकिंग। यहाँ पर तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान आपको यहाँ पर न्यू पेमेंट ऑप्शन भी ऐड कर दिया गया है, और जितने भी प्रॉब्लम छोटी छोटी आ रहे थे उस प्रॉब्लम को, यानी कि उस बग को फिक्स कर दिया गया है। फाइनली कल के डेट में ही इस ऐप को अपडेट किया गया है। तो सिंपल आप लोगों को भी बुकिंग से पहले ही IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से टिकट बुक करना है। यदि आप टिकट बुक करते हैं अपडेट करने के बाद तो आप लोगों को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो सिंपल देख सकते हैं मैं यहाँ पर IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को अपडेट कर लिया हूँ, और इसके बाद हम बुकिंग करके देखते हैं तत्काल टिकट, और क्या बुकिंग के दौरान कुछ प्रॉब्लम आता है या फिर नहीं आता। सिंपल मैंने ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद सिंपल लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड ऑलरेडी मेरा फिल है पहले से ही। कल के डेट में जब हम ट्राई कर रहे थे तो हमारा पेज जो है काफ़ी ज़्यादा लॉग आउट हो रहा था, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर के भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। सिंपल मैंने लॉगिन पे क्लिक किया हूँ। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ID हमारा जो है वेरीफाई हो रहा है। इसके बाद सिंपल ट्रेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बुक टिकट पे क्लिक करेंगे, जो भी रूट है रूट हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद सिंपल तत्काल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद सर्च ट्रेन पे क्लिक करना है, यहाँ पे हमें 10:02 पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस ट्रेन में टिकट बुक करना है, सिंपल हमें क्लिक करना है, रिप्लेस पर मैंने क्लिक करना है। देख सकते हैं 35 सीट बचा हुआ, पैसेंजर डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें मास्टर लिस्ट में पैसेंजर डिटेल पहले से सेव करके रखना है, सिंपल मैंने रख रखा हुआ देख सकते हैं। सिंपल यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है, मोबाइल नंबर सेम रहने देना है। सिंपल यहाँ पे हमें बुक टिकट ओनली कन्फर्म बट अलाउड पे क्लिक करना है। इसके बाद सिंपल रिव्यू जोनी डिटेल पे क्लिक करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे पेमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो रहा है, प्रोसेसिंग में भी काफ़ी कम टाइम लग रहा है, क्योंकि कल या इससे पहले मैं देख रहा था प्रोसेस में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। यहाँ पर लॉग आउट की भी प्रॉब्लम जो है अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। तो हम फाइनल पेमेंट तक जाते हैं और देखते हैं क्या इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो देख सकते हैं फाइनली हम पेमेंट ऑप्शन पे आ चुका है। यहाँ पे काफ़ी सारे पेमेंट मेथड दिया गया है। सिंपल हम पेटीएम वॉलेट सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप टिकट बुक करेंगे तो पेटीएम वॉलेट सेलेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम जो है काफ़ी फास्ट पेटीएम वॉलेट से पेमेंट आपको हो जाता है इजीली तरीके से, क्योंकि सिंपल आपके मोबाइल फ़ोन पे OTP आएगा, OTP फिल करते ही आप लोग इजीली तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ देख सकते हैं प्रोसेस योर पेमेंट, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट अगर इस पर अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको फ़ोनपे यूज कर ले। फ़ोनपे यदि UPI यूज करेंगे तो ज़्यादा टाइम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सिंपल आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर टाइप करना है, और इसके बाद सिंपल प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा। सिंपल OTP फिल करने के बाद वेरीफाई करना है, वेरीफाई करके इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका टिकट बुक हो जाएंगे। देख सकते हैं फाइनली हमारे फ़ोन पे OTP आ चुका है, बट लेकिन हमें ये टिकट बुक नहीं करना है। सिर्फ हम ट्राई कर रहे थे क्या बुकिंग के दौरान हमारा टिकट जो है IRCTC पेज लॉग आउट होता है या फिर नहीं होता है, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो आज के डेट में जो इस तरह के प्रॉब्लम आ रहे थे, पेज लॉग आउट का, अनेबल टू परफॉर्म ट्रांजेक्शन एरर का, ये पेज हम ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। तो बस आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।